Soni Chaudhary. Today I am teaching you statistics chapter number 2, and today's our topic is conversion from inclusive to exclusive and exclusive to inclusive. Okay, here one example about this method. See, obtain an inclusive continuous frequency distribution from following data. It means what? This data is given in exclusive method. Okay, exclusive method के data आपको given है और आपको उसको किस में convert करना है? Inclusive में. Okay? See, conversion from exclusive to inclusive. ये मैंने रूल लिखा हुआ है कि जब भी हमें conversion करना है, suppose exclusive to inclusive, तो उसके लिए हमें क्या apply करना है और inclusive to exclusive करेंगे तो उसके लिए क्या apply करना है. First of see here, some lower limit or more than. It means what? कि लोअर बाउंड्रीज आपको गिवन है, ठीक है? और लोअर बाउंड्रीज हम कम यूज करते हैं मोर देन मेथड में. क्लियर? मोर देन मेथड में लोअर बाउंड्रीज और लेस देन मेथड में अपर बाउंड्रीज. ओके, सो यहां पे लोअर बाउंड्रीज दी हुई है 44.5, 49.5, 54.5, क्लास 79.5 एंड हियर सीएफ. ओके, दिस इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मींस सीएफ. ओके, सीएफ गिवन है और आपको क्या करना है उसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इट मींस एफ में कन्वर्ट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ तो ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को क्लास में कन्वर्ट करना है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में. एक्सक्लूसिव इट मींस व्हाट? कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं होंगे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? इंक्लूसिव करना है, यानी ऐसा क्लास लेंथ प्रिपेयर करना है जिसमें वन का डिफरेंस हो. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब भी हम लास्ट सम में हमने देखा कि इंक्लूसिव दिया हुआ रहता है, इंक्लूसिव में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है वन का, तो उस टाइम में उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 0.5 प्लस करते हैं लोअर बाउंड्री में और अपर बाउंड्री में 0.5 माइनस करते हैं. क्लियर? ओके, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? इंक्लूसिव करना है. इंक्लूसिव के लिए हमें क्या करना है? लोअर बाउंड्री में प्लस करना है, इसका अपोजिट करना है. ठीक है, लोअर बाउंड्री में 0.5 प्लस करना है और अपर बाउंड्री में से 0.5 माइनस करना है. क्लियर? सो सी फॉर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव अगर करना है तो क्या करेंगे? लोअर लिमिट में प्लस 0.5 एंड अपर लिमिट में 0.5. ओके, देन फॉर एक्सक्लूसिव लोअर लिमिट 0.5 एंड अपर लिमिट प्लस 0.5. बट हमें क्या फॉलो करना है? हमें इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है इट मींस हमें ये वाला फॉलो करना है. ओके, नाउ दिस इज लोअर लिमिट्स 44 प्रिपेयर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग सी हियर फर्स्ट क्लास लेंथ 44.5 टू 49.5, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. देन अगेन दिस टू दिस सेकंड क्लास, दिस टू दिस थर्ड क्लास, लाइक दिस. See here, like this, 44.5 to 49.5, this is your first class. अब उसको किस में convert करना है? This is given in exclusive. Okay, देखो exclusive है, यहाँ पे difference नहीं है. See, 49.5 पे stop हो रहा है, it means this is upper boundary, और फिर इसका lower boundary कहाँ से start होता है? Same 49.5, it means no difference between upper boundary and lower boundary. That's why this is exclusive method. ठीक है, बट उसको हमें कन्वर्ट करना है इंक्लूसिव में, इसलिए 44.5 उसमें से क्या करें, उसमें क्या करेंगे हम? प्लस 0.5 करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 45, देन 49.5 उसमें से हम 0.5 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आपका अपर लिमिट हो जाएगा 49. क्लियर? सेम फॉर सेकेंड 49.5 टू 54.5, लोअर लिमिट आपका क्या है? 49.5, तो हमें क्या करना है उसमें? प्लस 0.5 करना है, तो प्लस 0.5 करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड क्लास के लिए लोअर लिमिट 50 एंड अपर लिमिट 54. ओके, माइनस 0.5 करेंगे तो 54. इस तरह से हमें क्या करना है? ये क्लास प्रिपेयर करना है. सो योर न्यू क्लास इज हियर 45 टू 49, 50 टू 54. देखो यहां पे 1 का डिफरेंस आ गया. सी, 1 का डिफरेंस आ गया, 49 अपर बाउंड्री एंड फॉर सेकेंड क्लास लोअर बाउंड्री 50. सो डिफरेंस बिटवीन दिस क्लास 1 का डिफरेंस है. ओके, नाउ सो दिस इज इंक्लूसिव मेथड. क्लियर? देन 54 सेकंड थर्ड
55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74 and 75 to 79. क्लियर? लास्ट अपर 79.5 हो रहा है, इसमें से माइनस अपर ये लिमिट है, ये माइनस 5 करेंगे तो 79. ओके, नाउ दिस इज योर CF, दिस गिवन इन योर सम. ओके, दिस इज गिवन 500. अब क्या करेंगे हम, आपको F फाइंड आउट करना है. दिस इज CF और आपको F फाइंड आउट करना है, इट मींस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सो 500 माइनस 470, इसमें से ये आपको माइनस करना है. ओके, ऑलवेज जो आपका अमाउंट है लार्ज उसमें से स्मॉल अमाउंट माइनस करना है. तो 500 माइनस 470, सो योर F, दिस इज योर F, F इज 30. ओके, देन नेक्स्ट 470 माइनस 390, सो योर F इज 80. देन अगेन 390 माइनस 290, सो योर F इज 100. सेम फॉर 290 माइनस 240, F is 50. Again 240 minus 90, your F is 150. And 90 minus 10, so your answer is 80. Okay? Then 10 minus 0, so answer is 10. It means these are F. Okay? आपको exam में कहा है कि find original frequency. जब भी original word use किया हो, it means आपको F find out करना है. Okay? और जब कहा हो कि find क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन CF, तो ये फाइंड. क्लियर? समझ में आ गया? मेन इस सम में आपको क्या फाइंड आउट करना था, ये तो आपको फाइंड आउट करना आता ही है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, F लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, बट आपको ये फाइंड आउट करना नहीं आता कि अगर लोअर लिमिट दिया है तो उसको इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव कैसे चेंज करते हैं और एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में कैसे चेंज करते हैं. अगेन, अगर इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, ये. ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव दिया हुआ है और आपको इंक्लूसिव में मतलब डिफरेंस मेंटेन करके आपको क्लासेस प्रिपेयर करनी है, तो वहाँ पे इसका अपोजिट कर देना है. इट मीन्स लोअर बाउंड्री में 0.5 प्लस करना है और अपर बाउंड्री में से 0.5 माइनस करना है. ओके, क्लियर फ्रेंड्स? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी है. सिर्फ आपको ये क्लास कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे. ओके, ग्राफ के रिगार्डिंग आपको सम